हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल एक्शन स्प्रे। सर्दियां आ गई हैं और बहुत ज़्यादा फेस फटने लगेगा, ड्राई हो जाएगा और फेस में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत लगती है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि बहुत खर्चे वाला भी ना हो, आपको मार्केट से प्रोडक्ट भी ना खरीदने पड़े और रिजल्ट 100% हो। मैं तो 100% नहीं, मैं 200% कह सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी माँ का नुस्खा है। हमेशा ये ग्लिसरीन का यूज़ करती थी। वैसे तो उसके बीसियों यूज हैं, मैं आपको किसी और वीडियो में कंटिन्यू करूंगी, लेकिन ये वीडियो आपका फर्स्ट है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप ऑयली स्किन वाले हों, ड्राई स्किन वाले हों या सेंसिटिव स्किन वाले हों और नॉर्मल स्किन वाले, चारों तरह के लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो ग्लिसरीन का यूज़ कैसे कर सकते हैं और मैं आपको बताऊँ कि ग्लिसरीन के कितने सारे फायदे हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में है बेल आइकन, इसे भी दबा लो। बेल आइकन दबाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो जो कि कम इंग्रेडिएंट्स में बनते हैं वो आपको देखने को मिल सके। तो मैंने सबसे पहले लिया है नॉर्मल स्किन वालों के लिए। तो सर्दियों में आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपका फेस एकदम स्मूथ दिखे, शाइनी दिखे और ग्लोइंग भी दिखे? उसके लिए सबसे पहले आपको यूज करना है ग्लिसरीन। ये हम ले रहे हैं 1/4 चम्मच ग्लिसरीन, लगभग 5 से 6 ड्रॉप। जितना हमने ग्लिसरीन लिया है हम उतना ही इसमें डालेंगे रोज वाटर। ये भी हमने लगभग 1/4 चम्मच ले लिया। नॉर्मल स्किन के लिए बना रहे हो तो आप अलमंड ऑयल की 2 ड्रॉप इसमें ले लोगे। अगर आपके पास अलमंड ऑयल ना हो तो आप कोई और ऑयल ले सकते हो। ये मैंने 2 से 3 ड्रॉप ले ली हैं। ये तीनों चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लो, फिर आपकी ये नॉर्मल स्किन के लिए बहुत अच्छा सा ग्लिसरीन बन के तैयार हो गया। तीनों चीजें मिलाने के साथ साथ आपको क्या करना है, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आपको हल्का सा लेना है दही और आपको फेस पे लगा के रात को सो जाना है। अगर आपको दही सूट नहीं करता है, आपका मन नहीं होता है, तो आप ये तीनों चीजें भी लगा के ट्राई जरूर करें। अगर आप ऑयली स्किन के लिए बना रहे हो तो आपको लेना है थोड़ा सा ग्लिसरीन। आप उसमें उतना ही डाल लोगे रोज वाटर और अगर आप ऑयली स्किन के लिए बना रहे हो तो उसमें आप 1 ड्रॉप डालोगे अलमंड ऑयल। बिल्कुल 1 ड्रॉप आपको लेनी है और इसके साथ आपको एक चीज और लेनी है, वो है थोड़ा सा ये लेमन। अगर आप बना के रखना चाहते हो तो लेमन पहले से डाल के मत रखो, क्योंकि पहले से डालोगे तो आप बहुत टाइम तक इसे प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। ये सब चीजें मिलके आपके स्किन को इतना स्मूथ और ग्लोइंग बनाएंगी। मैंने ऑयली स्किन के लिए लिया है ये ग्लिसरीन। ये आपकी स्किन को रीडेवलप करता है, आपके सेल्स को इम्प्रूव करता है, नए सेल्स को बनाता है। तो जो लोग ऑयली हैं उनकी फेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। आप इसको बना के रख लें और रात को सोते समय आराम से लगा सकते हो। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो आप इस तरह से इसको फेस पे लगा लेंगे, आपका स्किन इतना ब्राइट दिखेगा। आपको इतना स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आपको चाहिए सबसे पहले ग्लिसरीन। आपको अपनी स्किन के हिसाब से याद रखना है, मैंने 1/4 स्पून ये ग्लिसरीन लिया है। अब इसके साथ मैं ले रही हूँ 1/4 स्पून रोज वाटर। अब इसके साथ आपको जो मिलाना है वो है एलोवेरा जेल। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप ऑयल और दोनों चीजें हटा दो और 1/4 स्पून हमने इसमें लिया है एलोवेरा जेल। अब इन तीनों चीजों को आप अच्छे से मिक्स करके रख लोगे और ये मेटेरियल है जो आपका 8 दिनों तक ना तो खराब होने वाला है और ना आपको रोज रोज बनाने की जरूरत पड़ेगी। आपकी सेंसिटिव स्किन है, जब आप रात को लगा के सोओगे और सुबह उठ के देखोगे तो आपकी स्किन बहुत स्मूथ और बहुत ही शाइनी दिखाई देगी। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपके फेस को स्मूथ करने के लिए, आपके फेस में जो इचिंग की प्रॉब्लम रहती है या आपको जल्दी से दाग धब्बे की प्रॉब्लम होती है, आपकी स्किन में कुछ भी चीजें सूट नहीं करती हैं, उनके लिए भी ये ग्लिसरीन बहुत काम की है। आप जिस तरह से इसको आप लगाओगे, आपको फेस पे अच्छे से इसको लगा लेना है और लगाने के बाद इसी तरह से आपको सो जाना है। आप सुबह देखेंगे आपका फेस एकदम बढ़िया ग्लो कर रहा होगा, आपका फेस एकदम स्मूथ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको लेना है 1/4 स्पून ग्लिसरीन और आप इसमें डाल सकते हो ये विटामिन ई का कैप्सूल। 1/4 स्पून अगर आपने ग्लिसरीन डाली है तो आपको एक कैप्सूल डालना है। ड्राई स्किन वालों के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। अगर आपके पास ये ना हो, आपके पास विटामिन ई का ऑयल ना हो या कैप्सूल ना हो, तो आप इसकी जगह पे नारियल ऑयल डाल सकते हो जो कि ऑर्गेनिक हो। इसके बाद आपको जो एक चीज डालनी है वो है रोज वाटर। रोज वाटर आप इसमें थोड़ा सा
जितना आपने ग्लिसरीन लिया है उतना आप रोज वाटर डालेंगे। इन तीनों को आप मिक्स करके रखेंगे, ड्राई स्किन को ब्राइट भी बनाएगा और आपकी स्किन में जो ड्राइनेस है उसको भी खत्म करेगा। तो ये सारी चीजें आपको इसी ग्लिसरीन से मेंटेन हो जाएंगी। बस आपको ये मटेरियल बना के अच्छे से रखना है और सबसे बड़ी बात आपकी ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। जो आप सुबह उठ के आपकी स्किन खिंची खिंची लगती है वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये ग्लिसरीन है जो आपके सेल्स को डेवलप करती है, आपके डेड सेल्स को खत्म करती है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाती है, स्मूथ बनाती है। ग्लिसरीन मैं आपको बताऊं बहुत अच्छी चीज है, हर चीज में यूज की जाती है। तो ये आप इसका एक बार यूज करके देखें, आप जब सुबह उठेंगे ना आपको अपना फेस इतना स्मूथ दिखेगा, इतना शाइनी दिखेगा कि आपको ये बना के रखने का मन करेगा। और ये चीजें जो मैंने तीनों डाली हैं ये आप एक महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, ये चीजें खराब नहीं होती हैं। मैंने थोड़ा सा बना के दिखाया है, अगर आप नॉर्मल पानी से, कोसा पानी जो होता है, हल्का गर्म पानी से अगर आप फेस धो लोगे तो आपको दिन भर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको फील होता है कि आपको सुबह मॉइस्चराइजर लगाना है, जितना आपका ग्लिसरीन का मटेरियल तैयार हुआ है ठीक उतना ही आप उसमें डिस्टिल्ड वाटर मिला लें और फेस पे स्प्रे करें, बहुत अच्छा आपके लिए मॉइस्चराइजर बनके तैयार होगा जो आपकी स्किन को ऑयली भी नहीं बनाएगा, पूरे दिन ग्लो भी रखेगा और आप इसके ऊपर जितना चाहे मेकअप कर सकते हैं, मेकअप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके लिए एक अच्छा बेस बनके तैयार हो जाएगा और आपका कोई भी प्रोडक्ट आपके फेस के अंदर नहीं जाएगा। बस आपको ये रात को फेस धोने के बाद ही यूज करना है। इस बात को तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोसे पानी से, नॉर्मल पानी से, आप फेस को ठंडे पानी से नहीं, आप नॉर्मल पानी से फेस को धो लें। बच्चों को हो तो बच्चों को आप धो दें पहले, उसके बाद आप बच्चों को ये ग्लिसरीन लगा के सुला दें। आप सुबह देखेंगे कि किसी भी प्रकार का डिस्कलरेशन हो, फटा हुआ हो, आपके फेस में ड्राइनेस हो, वो सभी चीजें इससे खत्म हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा था। ये वीडियो अभी क्या क्या चीजें मेंटेन कर सकती है, ग्लिसरीन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कोशिश करूंगी कि वो सारी चीजें कवर करूं, क्योंकि आपका ग्लिसरीन कितना अच्छा मॉइस्चराइजर भी है, आपका क्लिंजर भी है और आपका क्रीम का काम भी करता है। और जिनके पिंपल्स हो जाते हैं उनका दाग धब्बे को मिटाने का काम भी ये ग्लिसरीन करता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कोशिश करूंगी कि ये सारी चीजें कवर कर सकूं और आपको बताऊं कि ग्लिसरीन से आप कितना अच्छा फेशियल कर सकते हो। तो ये टू बी कंटिन्यू है, आप अगली वीडियो को बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे भर भर के लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, आप इस रेमेडी को जरूर एक बार यूज करिए। मैं तो इंसिस्टली कहती हूँ, मैं तो बहुत प्यार से आपको रिक्वेस्ट के साथ कहती हूँ कि आप एक बार इस रेमेडी को जरूर यूज करके देखें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।